14 जून से परेशानी का दौर शुरू होने वाला है वृश्चिक राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। वृश्चिक राशि वाले एक तो एक शनि से परेशान हैं, शनि की कंटक ढैया से ये बहुत ज्यादा दुखी चल रहे हैं और इस समय आने वाले समय में लग्नेश कर्मेश भी इनको दुखी कर रहे हैं। ऐसा गोचर बहुत कम बनता है जब बहुत ज्यादा परेशानियों का जातक हो या जातिका हो उसको सामना करना पड़े। वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रह स्थिति अच्छी नजर नहीं आ रही है। कुछ सावधानियां हैं जो आपको करना बहुत जरूरी होगा। अगर आप थोड़ा बहुत उपाय करोगे तो मान के चलो भैया निश्चित तौर पर बचे रहोगे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, लेकिन उपाय आपको करना ही पड़ेगा तभी आपको राहत मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, या राशिफल आप अपने लग्न कुंडली पर लगा करके देखें। अगर लग्न कुंडली नहीं है तो सेकंड ऑप्शन है आप अपने चंद्र राशि के अनुसार देखें। अगर कुछ भी नहीं है तो आप भैया अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझो। परेशानी का नाम सुन करके वीडियो को डिसलाइक मत कर दीजिएगा, क्योंकि ग्रह मैं बैठ करके नहीं घुमा रहा हूँ, गोचर के अनुसार मैं जानकारी दे रहा हूँ। आने वाला समय थोड़ा स्ट्रगल वाला आपका रहेगा। ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल हमेशा ही रहता है, लेकिन कभी कभी प्लेनेटरी पोजीशन ऐसी बन जाती है कि व्यक्ति प्रयास अधिक करता है, उसके अनुरूप उसको रिजल्ट नहीं मिल पाता है। छठे भाव में मंगल का बैठना अपने आप में एक बढ़िया फायदेमंद स्थिति बनाता है, लेकिन लग्नेश होकर के छठे भाव में मंगल बैठे हैं, यह कहीं ना कहीं दिक्कत वाला का समय रहने वाला है। आपकी कुंडली में लग्नेश छठे भाव में अपने ही राशि में गोचर कर रहा है। और दूसरी चीज, 14 तारीख से सूर्य देवता जो कर्म भाव के मालिक हैं, ये अष्टम भाव में गोचर करने लगेंगे। कर्म का मालिक अष्टम में जाएगा, हालांकि अपने स्थान से एकादश जाएंगे, लेकिन कर्म भाव पे ऑलरेडी शनि की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इस समय आपको संयम से काम लेना होगा। अगर आप नौकरी कर रहे हो, चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब किसी भी प्रकार की, छोटी या बड़ी, तो आपको चाहिए भैया अपने जो भी आपके सीनियर हैं उनसे थोड़ा बना करके रखिए, अन्यथा नौकरी में दिक्कत उत्पन्न होते हुए आपको दिखाई पड़ सकती है, ऐसा ग्रह गोचर बता रहा है। वैसे वृश्चिक राशि वाले किसी की बर्दाश्त नहीं करते हैं, बात बात पे बहुत जल्दी आक्रामक हो जाते हैं, गुस्सा इनको बड़ी तेजी में आ जाता है, लड़ने के लिए उतारू हो जाते हैं, लेकिन इस समय लड़ाई करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, इसलिए थोड़ा सब्र से काम लीजिएगा। 14 जून से लगा करके लगभग 14 जुलाई तक अगर शांति से काम लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आएगी। व्यापारियों के व्यापार में ठीक ठाक स्थिति बनी रहेगी, व्यापार आपका बढ़िया चलता रहेगा। और दूसरी चीज, बढ़िया तरीके से आपको मान सम्मान भी मिलता रहेगा यदि आपने धैर्य से काम लिया तो, क्योंकि मान सम्मान मिलना, पॉपुलरिटी मिलना, इस प्रकार के योग बन रहे, लेकिन बस यही है कि बॉस उच्च अधिकारी का साथ नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिए। विद्यार्थियों के शिक्षा उच्च शिक्षा में स्थिति अनुकूल बनी हुई है, लेकिन विद्यार्थी थोड़ा भटक सकते हैं क्योंकि बुद्धि का मालिक सप्तम में बैठा है, तो कहीं ना कहीं यदि आप प्रेम बाजी नहीं करोगे, प्रेम प्रसंग से दूर रहोगे, तो कैरियर में आपको लाभ होगा। अगर फालतू प्रेमबाजी करोगे तो कहीं ना कहीं कैरियर चौपट होगा, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आपकी बुद्धि में भटकाव उत्पन्न होता है तो ऐसे में ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करके आप अपनी समस्या दूर कर सकते हो। लव मैरिज अरेंज मैरिज दोनों के योग खुल चुके हैं, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति उदित हो चुके हैं, तो इसका बढ़िया लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा।
जीवन साथी के माध्यम से आपको आर्थिक लाभ जबरदस्त तरीके से होता हुआ दिखेगा, ऐसे योग भी दिख रहे हैं। अगर बात करें यात्राओं की तो यहाँ पर आप बाजी मार ले जाओगे, क्योंकि यात्राओं के सुखद योग बने हुए हैं। यात्राएं करेंगे तो यात्राओं से प्रॉफिटेबल रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। शेयर मार्केट में जो लोग निवेश करते हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, शॉर्ट टर्म में पैसा पैदा करने की कोशिश मत करिएगा, सट्टेबाजी से दूर रहिएगा। अगर लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हो तो गोचर बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर ट्रेडिंग ओडिंग करते हो तो इस समय विशेष सावधानी रखिएगा, अन्यथा पैसा आपका डूब सकता है। अनावश्यक कर्ज का लेन देन करना आपके लिए बहुत ज्यादा घातक सिद्ध हो सकता है, जो कि आपको इन फ्यूचर बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है। तो सट्टेबाजी से दूर रहिएगा, कहीं ऐसी जगह पे निवेश मत कर बैठिएगा जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़े। वैवाहिक जीवन वैसे आपका बहुत बढ़िया तरीके से चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा गुस्से पे नियंत्रण रखना और कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। बात करें अगर स्वास्थ्य की तो आपके कुंडली में स्वास्थ्य आपका बढ़िया बना रहेगा, ऐसे सुंदर योग दिखाई पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्थिति ठीक है। बुद्धि में भ्रामकता की स्थिति उत्पन्न होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी, तो अगर किसी बात को लेकर के, चाहे वो काम कारोबार को लेकर के हो या किसी भी विषय में आपको कन्फ्यूजन होता है, तो अपनों का आप साथ ले सकते हैं, सहारा ले सकते हैं, अपनों से राय मशविरा करके काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो। उपाय के स्वरूप हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का रोज एक बार पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। अगर आमदनी की बात करें तो यहाँ स्थिति आपकी ठीक ठाक नजर आ रही है, क्योंकि विपरीत योग भी बन रहा है। धन स्थान पर शुक्र का, बुध का, सूर्य का तीन लोगों का प्रभाव पड़ेगा, जिसके फलस्वरूप आमदनी आपकी बढ़िया तरीके से होती रहेगी, और यदि प्रयास करोगे तो पैसा आप बचा भी ले जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि भैया वाणी संभल करके प्रयोग करिएगा, गुस्से से बचिएगा, क्योंकि इस समय गुस्से की अधिकता के चलते आपको दिक्कत होगी। अगर गुस्से पे नियंत्रण रखोगे तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आएगी। भाग्य आपका सामान्य तरीके से साथ देगा, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब नहीं है। मेहनत के दम पे ही आने वाले समय में आप आगे बढ़ पाओगे, ऐसे योग नजर आ रहे हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो ग्रह गोचर है वो बहुत खराब नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा स्ट्रगल है। अगर धैर्य पूर्वक आप काम लोगे तो सभी काम आसानी से आपके बन जाएंगे। वीडियो को लाइक करके जय बजरंगबली कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।